सो फ्रेंड्स, बहुत से लोग चाहते हैं कि जब वो कोई ट्यूटोरियल बना रहे हो या कोई ट्रेनिंग दे रहे हो तो उनका माउस हाईलाइट होता रहे, वो कहाँ क्लिक कर रहे हैं पता चले। तो इस तरह के माउस को हाईलाइट करने के लिए क्या करना पड़ता है, वही हम आज की वीडियो में देखने वाले। बहुत ही इजी काम है, 5 मिनट के अंदर अंदर आप ये कर पाओगे आपके खुद के लैपटॉप पे। इस वीडियो को देखते देखते आप कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, मेरे लैपटॉप का जो माउस है वो हाईलाइट हो रहा है और आपको दिख रहा है कि माउस मैं कहाँ पर मूव कर रहा हूँ, माउस की मूवमेंट आपको पता चल रही है, जिससे आपका ट्यूटोरियल अट्रैक्टिव हो जाता है और आपके व्यूअर्स को कोई बात समझाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं माउस को हाईलाइट कैसे किया जाता है 5 मिनट। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च, मैं जुबैर शेख आप सबका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करो ताकि आपको ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस की अपडेट आगे भी मिलती रहे। अगर चैनल के वीडियोस और इन्फॉर्मेशन से आपको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिलती है तो आप चैनल के लिए कोई डोनेशन कर सकते हो। डोनेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आपके कर्सर को हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले आपको जो स्टेप करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक यूआरएल दिया हुआ है, उस यूआरएल पर आपको चले जाना है, मतलब इस वेबसाइट पर आपको चले जाना है जिस वेबसाइट को अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और इस वेबसाइट पर आपको जो डाउनलोड का बटन है उस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। तो आपके पीसी में यहाँ पर एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, तो इस फाइल को आपको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और इस फाइल में आपको बहुत सारी अलग अलग फाइल्स मिलेंगी। यहाँ पर मैं इस फाइल के थंबनेल्स को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर ये अलग अलग माउस के इमेजेस मिलते हैं जो एक कर्सर के फॉर्मेट में होते हैं। तो ये इमेजेस को आपको इंस्टॉल करना है आपके पीसी में। आप इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले आपके कंप्यूटर का सी ड्राइव ओपन करना है। सी ड्राइव में आपको विंडोज़ फोल्डर में जाना है। विंडोज़ फोल्डर में जाने के बाद वहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलता है कर्सर का फोल्डर, तो कर्सर के फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। अब कर्सर के फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको ये जितनी भी इमेजेस है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इन सारी इमेजेस को आपको पहले रिनेम करना है कॉपी पेस्ट करने से पहले। तो मैं यहाँ पर इसे सभी इमेजेस के पहले मैं यहाँ पर 1 लगा देता हूँ, 1 अंडरस्कोर, और यही 1 अंडरस्कोर हम सभी इमेजेस के नाम के पहले लगा देते हैं। आप राइट क्लिक करके रिनेम कर सकते हो आपकी फाइल को और उसके पहले आपको 1 अंडरस्कोर लगा देना है। तो इसी तरीके से मैं सारी फाइल्स को यहाँ पर रिनेम कर रहा हूँ। हम इस फाइल को रिनेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विंडोज 10 में आपको जितने भी आप माउस के डिज़ाइन और कर्सर्स यूज़ करते हो वो सारे इसी नाम से होते हैं। तो हम इन्हें इसलिए रिनेम कर रहे हैं ताकि विंडोज़ के जो डिफ़ॉल्ट आइकॉन्स है उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इस तरीके से सारी फाइल्स हमारी यहाँ पर रिनेम हो चुकी है। अब इन रिनेम फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है और कॉपी कर लेना है। यहाँ से हम इस फाइल को कॉपी करके जो सी ड्राइव के विंडोज़ फोल्डर के अंदर जो कर्सर का फोल्डर है वहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। अगर ये आपसे परमिशन पूछता है तो आप इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर दे सभी फाइल को सेलेक्ट करके, और यहाँ पर ये फाइल्स हमारी कॉपी हो चुकी है। यहाँ पर दूसरी स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पहली स्टेप में हमने फाइल डाउनलोड की, दूसरी स्टेप में हमने फाइल को रिनेम करके कॉपी पेस्ट कर दिया। अब तीसरी स्टेप में आपको कंट्रोल पैनल में आना है। कंट्रोल पैनल में आने के लिए आप यहाँ विंडोज सर्च में अगर कंट्रोल टाइप करते हो तो कंट्रोल पैनल आ जाता है, और कंट्रोल पैनल पर आप डबल क्लिक करके कंट्रोल पैनल में जा सकते हो। इस तरह का जो व्यू आपको मिलता है, इस व्यू को आप यहाँ पर लार्ज आइकन पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको माउस का ऑप्शन मिलता है, माउस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और माउस के ऑप्शन में आने के बाद आपको जो विंडो ओपन होता है आपके सामने छोटा विंडो, वहाँ पर आपको पॉइंटर्स पर क्लिक करना है। और पॉइंटर्स पर जाने के बाद जितनी भी यहाँ पर आपको इमेजेस दिख रही है ये सारी इमेजेस आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए आप क्या करोगे, जब इस आइकन पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वही फोल्डर ओपन होगा जो फोल्डर में हमने इमेजेस कॉपी की है। तो आपको बिल्कुल जिस तरह का माउस अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो जो सेलेक्टेड है, उसी तरह का माउस आपको यहाँ पर लेना है, उसी डिज़ाइन वाला माउस का कर्सर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो कि हमने ऊपर से कर लिया है। उसके बाद आपको दूसरा अगर सेलेक्ट करना है तो आप दूसरा सेलेक्ट कर सकते हो जो क्वेश्चन मार्क वाला है। जब आप किसी चीज़ पर क्लिक करते हो तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क टाइप का आता है, तो उसके लिए ये कर्सर यहाँ पर यूज़ होगा। अगर आप चाहे तो यहाँ से इसे थोड़े एक्स्ट्रा लार्ज आइकन भी कर सकते हो या लार्ज भी कर सकते हो, तो आपके लिए इजी रहेगा उसे सेलेक्ट करने में। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क वाला सेलेक्ट कर लिया। जो हाथ वाला आइकन है हम यहाँ पर वो सेलेक्ट कर रहे हैं जो एरो में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बारी बारी सारे जितने भी आइकॉन्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं और जो आपने अपलोड किए हैं उसमें मैच हो रहे हैं, वो सारे आइकॉन्स आपको यहाँ पे रिप्लेस कर देना है।
तो ये आइकॉन्स हमने यहाँ पर सारे सेलेक्ट कर लिए। अब इस आइकॉन को सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक कस्टम स्कीम बना देना है जो कि आपके हाइलाइटेड पॉइंटर्स के लिए रहेंगी। तो यहाँ पर मैं इसे CS1 नाम दे देता हूँ, यानी कि कस्टम वन, और इस प्रोफाइल को हम अप्लाई कर देते और ओके कर देते। तो देखिए अप्लाई ओके करते ही हमारा जो माउस का पॉइंटर है वो यहाँ पे येलो हो चुका है। तो आपको किसी भी तरह की ट्यूटोरियल वगैरह अगर आप बताना चाह रहे हो और उसमें आपके माउस का पॉइंटर अगर आपको हाईलाइट करके दिखाना है तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, आप इस तरीके से कर सकते हो। अब जब आप ट्यूटोरियल नहीं बना रहे हो, आप नॉर्मली कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो और उस टाइम आप चाहते हो कि आपके माउस का पॉइंटर इस तरीके से हाईलाइट ना दिखे, नॉर्मल दिखे, तो आप वापस से माउस पर क्लिक करोगे, पॉइंटर में आओगे और यहाँ पे जो आपने स्कीम है बाय डिफॉल्ट जो विंडोज़ की स्कीम होती है उस स्कीम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर विंडोज़ डिफॉल्ट सिस्टम स्कीम जो है उसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट करते ही इस तरीके का हमारा यहाँ पर माउस का पॉइंटर चेंज हो चुका है। आप चाहते हो तो आप इसका शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हो डेस्कटॉप पर। आपको माउस पर राइट क्लिक करना है कंट्रोल पैनल में और क्रिएट शॉर्टकट करना है, तो आपका डेस्कटॉप पर शॉर्टकट रेडी हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये माउस का, यहाँ पर हमने शॉर्टकट रेडी कर लिया है और इस पर आप जब भी डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने माउस का विंडो ओपन हो जाएगा। और जब भी आप ट्यूटोरियल बनाना चाहते हो तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो कस्टम वाली प्रोफाइल है आपकी वो आप सेलेक्ट कर दे, तो आपका जो पॉइंटर है वो बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगा, हाईलाइट करता हुआ पॉइंटर आपको मिल जाएगा और आप वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद, आपकी ट्यूटोरियल रिकॉर्ड होने के बाद वापस से इसे चेंज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन और सॉल्यूशंस आपको बताए गए वो आपके ज़रूर काम आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए डोनेशन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।